नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। स्थानीय जिला चिकित्सालय स्थित सेवा भारती अन्नपूर्णा भोजनालय में प्रतिदिन नाम मात्र की राशि सिर्फ 5 रुपए में मरीजों के परिजनों हेतु भर पेट भोजन व्यवस्था जन सहयोग से संचालित की जा रही है। इसी कड़ी में आज सेवा भारती परिवार द्वारा व्यापार एवं उद्योग महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का जन्मदिन बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गायत्री परिवार से जुड़े प्रताप सिंह परिहार द्वारा अग्रवाल को सपत्निक विधि विधान एवं मंत्रोच्चार से पूजा कराई गई एवं शंकरा राव मोरे विद्यार्थी द्वारा रचित बड़ी ही सुंदर रचना बधाई पत्र के रूप में भेंट की गई। महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल का शाब्दिक स्वागत करते हुए सेवा भारती के अध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी द्वारा सेवा भारती की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाला गया। महासंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा अपने सारगवृत्त उद्घोधन में सर्वप्रथम सेवा भारती प्रकल्प में सेवा दे रहे शहर के सभी गणमान्य जनों की उन्मुक्त हृदय से प्रशंसा की गई एवं आभार प्रकट किया गया। उन्होंने कहा कि हमें हमारा जन्मदिन, हमारी वैवाहिक वर्षगांठ, बच्चों के जन्मोत्सव सेवा भारती परिसर में मनाना चाहिए, जिससे एक और जहां जरूरतमंदों का सहयोग एवं मानवता की सेवा का अवसर प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम मां अन्नपूर्णा के चरणों में नमन करता हूं और आदरणीय डॉक्टर साहब एवं यहां उपस्थित पूरी सेवा भारती टीम, पूरा परिवार, इनका सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो बड़ी विधिवत पूजन अर्चना हुई उसके लिए परिवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और डॉक्टर साहब और टीम को विशेष धन्यवाद सेवा भारती को, इसलिए भी के मेरा जन्मदिन 7 दिन में दूसरी बार सेवा भारती परिवार में मनाया जा रहा है। इत्तेफाक से चूंकि उस दिन भोजन व्यवस्था किसी और की थी तो हमने ये तय किया कि 23 फरवरी को हमारी ओर से भोजन व्यवस्था रहेगी और उसके पीछे कारण मात्र ये भी था कि जन्म पत्री में मेरी जन्म दिनांक 23 फरवरी है, तो इसलिए आज का दिन चुना गया। और मैं इस आज अवसर पर, ये शुभ अवसर पर, ये अपनी ओर से संदेश भी दूंगा कि हमें अपने बच्चों का जन्मदिन, हमारी एनिवर्सरी, हमारी वर्षगांठ, हमें सब कुछ सेवा भारती परिवार में इसलिए मनाना चाहिए कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अति आवश्यक है और यहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे यहाँ संस्कार भी एक जो है डेवलप होते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं। और यहाँ पर हम ईमानदारी की बात करें तो यहाँ अगर आज हमने भोजन व्यवस्था अगर की है और बहुत छोटी राशि अगर हमने यहाँ धर्म स्वरूप प्रदान की है तो इससे हमें आत्मा में भी बड़ी शांति मिलती है। और मैं सभी से अपील करूंगा कि अधिक से अधिक अपना योगदान सेवा भारती परिवार को दें और ये जो संस्था चल रही है, ये प्रकल्प चल रहा है, इसमें किसी न किसी रूप में अवश्य सहभागी बने। बहुत पुनः टीम को सभी को। जिला गुना से नरेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। और भी खास जानकारी के लिए जुड़े रहिए टीवी न्यूज के साथ।